छपरा से बड़ी खबर है। यहाँ पर कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। मोबाइल रिपेयरिंग करवाने के लिए छात्रा जा रही थी और इसी दौरान इसके साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। परिजन ने देर रात थाने में शिकायत की है। छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भी लाया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अतरेला थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रीवा से ये खबर है जहां पर कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। बताया जा रहा है कि मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ये छात्रा जा रही थी और इसी दौरान इसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। परिजन ने देर रात थाने में शिकायत कर दी है। पुलिस जो है वो आरोपियों की तलाश में अब जुट गई है। अतरारा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। यहां पर कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रीवा से ये खबर आप तक पहुंचा रहा है। यहां पर कॉलेज छात्रा के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ये छात्रा जा रही थी और इसी दौरान इसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, बताएं कैसे ये घटना हुई और अभी तक आरोपियों के बारे में क्या जानकारी लग पाई है? बिल्कुल, आपको बताऊं कि ये रीवा जिले के अतरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत का पूरा मामला है, जहां पे एक लड़की अपने घर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर मोबाइल रिपेयरिंग करवाने के लिए जा रही थी, जहां पे दो बदमाशों ने उसको अपनी हवस का शिकार बनाया और बारी बारी करके दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को वारदात को अंजाम दिया। और उसके बाद जैसे ही उनके चंगुल से यह बच्ची निकली तो अपने घर पहुंची और अपने परिजनों को उसने इस घटना के बारे में बताया, तो उनके जो माता पिता और जो परिवार के और भी सदस्य थे वो इसको लेके तुरंत थाने में शिकायत दर्ज करवाई ले जाके और थाने के द्वारा तुरंत इसके का मेडिकल करवाते हुए FIR की कायमी की गई। और उसके बाद जो ये आरोपी हैं, हालांकि अभी भी ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उस तलाश जारी कर दी गई है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही ये हमारे गिरफ्त कब्जे में होंगे। तलाश जारी है और दबिश दी जा रही है। जैसे ही सूचना मिल रही पुलिस को कि कहां मिल सकते हैं, तो पुलिस लगातार उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। अतरेला थाना क्षेत्र में पीड़िता अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मोबाइल रिपेयरिंग करवाने जा रही थी। बताया जा रहा है कि इसी वक्त दो आरोपी उसके पास पहुंचे और जबरन बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे सुनसान इलाके में ले गए, जहां दोनों ही आरोपियों ने पीड़िता से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता किसी तरह से आरोपियों के चंगल से छूटकर वापस घर लौटी। परिजनों को उसने अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने थाने जाकर शिकायत की है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है।